महादेवाय नमः नमः महादेव संस्कृतम संस्था के निर्देशन में टीजीटी पीजीटी यूजीसी डीएसएससी टेट महादेवाय नमः। मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हम लोग संस्कृत व्याकरण के अद्भुत प्रश्नोत्तरी कर रहे थे, इसी क्रम में हम लोगों ने वर्ण विचार के स्वर व्यंजन स्वर प्रकरण पर दो प्रश्नोत्तरी किया। आज हम लोग तीसरी प्रश्नोत्तरी पर बात करेंगे। यह वीडियो संस्कृत परीक्षार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, हमें आशा है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो आइए चलते हैं अपने विषय की तरफ, अद्भुत प्रश्नोत्तरी देखते हैं व्यंजन प्रकरण पर। एक ये व्यंजन प्रकरण पर बात करेंगे, इसके पहले हम लोगों ने स्वर प्रकरण पर बात कर ली आपसे। तो पहला प्रश्न है कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता वे कहलाते हैं। हर्ष स्वर हैं कि प्लुत व्यंजन हैं कि दीर्घ मात्रा वाले स्वर हैं अथवा व्यंजन हैं, तो जल्दी बताएं आप। तो जैसा कि हम जानते हैं हर्ष स्वर में आ ई उ री ली ये पांच स्वर आते हैं और प्लुत व्यंजन होता ही नहीं, आप खुद जानते हैं। और दीर्घ मात्रा वाले स्वर होते हैं जो आ दीर्घा दीर्घई दीर्घऊ दीर्घरी ए आई ओ औ ये दीर्घ मात्रा वाले हैं, जबकि व्यंजन एक ऐसा है जो बिना स्वरों के उच्चारण से नहीं बोला जा सकता अर्थात व्यंजन वर्ण के स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, इनको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारा उत्तर डी होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संस्कृत व्याकरण शास्त्र में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें किसके साथ लिखा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे अर्थात जो एकदम प्योर व्यंजन होंगे वे उपद्मानीय के साथ लिखे जाएंगे कि जिहमूलीय के साथ कि हलंत के साथ कि स्वरों के साथ। जैसा कोई उपद्मानीय आप जानते हैं ये पा फा के पहले अर्ध विसर्ग होता है, ये पा के पहले आप अर्ध विसर्ग या फा के पहले अर्ध विसर्ग इसे उपद्मानीय कहते हैं। जिहमूलीय में का खा के पहले अर्ध विसर्ग होता है, का के पहले अर्ध विसर्ग और खा के पहले अर्धविसर्ग ये उपद्मान जिहमूलीय है। फिर स्वरों स्वर आप जानते हैं कि ये नौ स्वर होते हैं, तो जान लीजिए कि स्वर के साथ व्यंजन बोले जाते हैं, ना कि अगर व्यंजन के साथ यदि का है, का में आप देखेंगे तो यहाँ पे आ इंक्लूड है, इसको जब तोड़ेंगे तो का बचेगा, का में हलंत रहेगा और आ रहेगा। तो ये व्यंजन जो है स्वरों के साथ जो लिखे हैं वो प्योर व्यंजन नहीं होते अर्थात शुद्ध व्यंजन नहीं होते, जबकि हलंत के साथ जैसे ये है का है हलंत के साथ लिखे जाने वाले व्यंजन को प्योर व्यंजन अथवा शुद्ध व्यंजन कह सकते हैं या मूल व्यंजन भी उसे हम कह सकते हैं। तो हमारा सी विकल्प सही होगा। आइए चलते हैं आगे, तीसरा देखते हैं कि अर्धमात्रिक वर्ण कहे जाते हैं। अर्धमात्रिक वर्ण कहे जाते हैं कौन से वर्ण अर्धमात्रिक कहे जाते हैं? स्वर कहे जाते हैं, क्या योगवाह कहे जाते हैं, कि व्यंजन कहे जाते हैं, कि विसर्ग कहे जाते हैं? तो आपने पढ़ा होगा एक कारिका कि एकमात्रो भवेत हर्षो, एक मात्रा वाला हर्ष कहलाता है, दो मात्रो दीर्घ उच्चते और दो मात्रा वाला दीर्घ, त्रिमात्रस्तु प्लुत हो गेयो और तीन मात्रा वाला प्लुत, जबकि व्यंजनम चार्ध मात्रिकम और व्यंजन आधी मात्रा वाला होता है। तो हमारा विकल्प होगा आधी मात्रा वाले वर्ण कौन से हैं? सी विकल्प हमारा व्यंजन सही होगा। आप जानते हैं स्वर में हमारे नौ होते हैं, नौ प्रकार के स्वर हैं, आ ई उ री ली ए ओ आई ओ ये नौ स्वर हैं, आचे प्रत्याहार में आते हैं। अयोगवा में आप जानते हैं कि अनुस्वार होता है, फिर उसका विसर्ग होता है, फिर उपद्मानी और जीवमूली ये चार अयोगवा वर्ण होते हैं, फिर विसर्ग आप जानते हैं विसर्ग यही कहते हैं, विसर्ग के कंठ से बोले जाते हैं। अब आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि त्रिमात्रस्थ प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, इसका पूरा सूत्र होगा कि त्रिमात्रस्थ प्लुतो गेयम डैश 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 चार्ध मात्रिकम, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, इसमें हस्रो भरा जाएगा कि दीर्घा भरा जाएगा कि प्लुतो भरा जाएगा कि व्यंजनम। तो कारिका यदि आपको याद हो तो वो कारिका इस तरह है, एकमात्रो भवेत हस्रो दीर्घ मात्रो दीर्घ उच्च दुई मात्रो दीर्घ उच्चते
तीर्मात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। तो व्यंजनम, यहाँ व्यंजनम भरा जाएगा, डी विकल्प हमारा सही होगा। हर्ष व्यंजन आप हर्ष स्वर जानते हैं, आ ई उ री ली, ये चार, ये पांच हर्ष व्यंजन होते हैं, स्वर होते हैं सॉरी। और दीर्घ स्वर में भी यदि हम दीर्घ करें तो उसी का दीर्घ होता है। प्लुत स्वर जानते हैं कि स्वरों के बाद तीन मात्रा लगाकर प्लुत होते हैं, ये तीन मात्रा का समय लेता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला पांचवा प्रश्न है कि सभी व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार में समाहित होते हैं। व्यंजन वर्ण पूछ रहे हैं, अक में समाहित होता है कि हल में समाहित होता है कि हस में समाहित होता है कि अल में समाहित होता है। तो यदि अक हम प्रत्याहार देखें तो अक में ये जो अक प्रत्याहार है उसमें आ ई उ री ली ये हैं, ये अकमय, ये हर स्वर गिने जाते हैं। हल में आप देखें, हल में दूसरा विकल्प है तो हल हाइवरट अर्थात पांचवें सूत्र से लेकर हा से लेकर हाइवरस से लेकर हल के चौदहवें सूत्र, अर्थात इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अर्थात पांचवें सूत्र से लेकर चौदहवें सूत्र, बोले टोटल दस सूत्रों में ये हल प्रत्याहार है। और यही हल इसमें अंतस्थ भी आ जाता है, स्पष्ट भी आ जाता है और उष्ण व्यंजन भी आ जाता है, इसलिए इसमें पूरे वर्ण व्यंजन वर्ण समाहित होते हैं हल प्रत्यार में। जबकि हर्ष में जानते हैं अंतस्थ हैं और पंचमाक्षर पांचवा अक्षर है सभी वर्ण का और चौथा या तीसरा है ये हर्ष प्रत्यार है। और अल में संपूर्ण व्यंजन है, स्वर और व्यंजन पूरा है, इसमें इनकी संख्या 42 है और हल व्यंजन की संख्या 33 है। ये आप तो हमारा विकल्प क्या होगा, हल विकल्प बी विकल्प हमारा सही, ओ सॉरी बी विकल्प हमारा सही होगा। पांचवे का बी विकल्प टिक कर लें, पांचवे का क्या विकल्प सही होगा, बी विकल्प, क्योंकि हल प्रत्याहार में सभी समाहित हैं और व्यंजन समाहित हैं जबकि अल में संपूर्ण वर्ण समाहित हैं। अब व्यंजनों का परिणाम क्या, ये पूछ रहे व्यंजन का परिणाम, तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि व्यंजन का परिणाम क्या है, इसको आप बताएं कि हस है कि अल है कि अच है कि अल है, अस हस हल अच अल में क्या है। तो आप जानते हैं कि हस प्रत्याहार में देखें तो अंतस्थ व्यंजन आएगा अर्थात पांचवें सूत्र से लेकर जब गढ़ दस दसवें सूत्र का हस प्रत्याहार गिने जाते हैं, जबकि हल में पांचवें सूत्र से लेकर चौदहवें सूत्र तक इसमें संपूर्ण व्यंजन आ जाता है, इसलिए व्यंजनों का दूसरा नाम क्या होगा, हल होगा, मतलब बी विकल्प सही होगा। जबकि स्वर का स्वर अच प्रत्याहार में समाहित होते हैं इसलिए स्वर का दूसरा नाम अच होगा, जबकि पूरे वर्ण अल प्रत्याहार में समाहित होते हैं इसलिए सारे संस्कृत व्याकरण के वर्णों को यदि का प्रत्याहार पूछा जाए तो आपको अल बताना चाहिए। तो व्यंजनों का अपन नाम क्या है, अल। अब आइए आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी। तो आप जानते हैं कि कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है कि 14 है कि 9 है कि 11, तो आप बताएं। तो यदि आप देखें व्यंजन वर्ण में तो हाइवरट पांचवें सूत्र से लेकर हल चौदहवें सूत्र तक ये व्यंजन गिने जाते हैं। इसमें देखिए चार अंतस्थ आता है, चार उष्ण आता है और 25 क्या आता है, 25 आता है स्पर्श व्यंजन। तो जोड़ें चार चार आठ, आठ पच्चीस, पच्चीस आठ 33 व्यंजन हमारे ये होते हैं, बी विकल्प सही होगा, ए सॉरी ए विकल्प सही होगा सत्वा का। और नौ हमारे यहाँ स्वर होते हैं, चार अंतस्थ होते हैं, चार उसमें होते हैं, 25 स्पर्श होते हैं, जबकि पांच हर्ष स्वर होते हैं और चार मिश्रित अथवा दीर्घ स्वर होते हैं। आइए आठवां प्रश्न देखें, कितने महेश सूत्रों में व्यंजन वर्णों को गिने गए हैं, अर्थात कितने ऐसे महेश सूत्र में हैं जिसमें व्यंजन वर्ण गिने गए हैं। 14 हैं कि 4 है कि 10 है कि 5 है, बताइए। तो आप जानते हैं कि व्यंजन यदि हम देखें तो हल प्रत्याहार में व्यंजन वर्ण आते हैं और हल प्रत्याहार पांचवें सूत्र से लेकर चौदहवें सूत्र तक, अगर हाइवर्ट से लेकर हल तक है और उस तरह देखें यदि 14 में 5 हम घटाएँ तो 4 घटाएँ तो 10 हमारा बनता है, अर्थात 10 सूत्रों में व्यंजन वर्ण गिने गए हैं जबकि 4 सूत्रों में स्वर वर्ण गिने गए हैं और 14 में टोटल सूत्र हैं, 14 टोटल सूत्र हैं। अब आइए आइए नवा देखिए, नवा प्रश्न है, हाइवरट से हल
तक के सूत्रों में गिने गए हैं। हाइवर्ट से हल तक के सूत्रों में क्या गिने, अर्थात हाइवर्ट जो पांचवा सूत्र है और चौदहवां सूत्र हल, इसमें क्या क्या गिना गया। यदि आप व्यंजन गिना गया है कि स्वर गिना गया है कि अयोगवा की सभी वर्ण गिने गए, तो आप देखें हाइवर्ट से लेकर और हल तक चौदहवां सूत्र उष्ट व्यंजन गिना गया है, स्पर्श व्यंजन गिना गया है और अंतस्थ व्यंजन गिना गया, इसलिए पूरा व्यंजन गिना गया है। हमारा ए विकल्प सही होगा। स्वर आप जानते हैं कि नौ होते हैं, आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, ये स्वर हैं। अयोग आप जानते हैं चार हैं हमारे, क्या हैं, अनुस्वार है और विसर्ग है, जीवामूली है और पद्मानी, ये अयोग। सभी वर्ण आप जानते हैं अल प्रत्याहार में गिने जाते हैं। सभी वर्ण किस में गिने जाते हैं, अल प्रत्याहार। तो हमारा हाइवर्ट से हल तक के सूत्र में क्या गिना गया है, व्यंजन वर्ण गिना गया। हमारा ए विकल्प सही होगा। आइए अगला देते हैं, दसवां प्रश्न देखते हैं। दसवां प्रश्न हमारा है कि व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से विभाजन कितने प्रकार से हुआ, व्यंजन वर्णों का। यदि व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से देखें तो पहले अंतस्थ बताते हैं, फिर स्पर्श बताते हैं, फिर उष्ण बताते हैं। तो इस तरह व्यंजन वर्णों का मुख्य रूप से विभाजन तीन हुआ, कितना हुआ, तीन प्रकार से हुआ। तो हमारा सी विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं कि अगला क्या है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि व्यंजनों का भेद नहीं है, व्यंजन का भेद नहीं है, स्पर्श व्यंजन नहीं है कि अंतस्थ व्यंजन नहीं है कि उष्ण व्यंजन है कि हृस्व व्यंजन नहीं है। आप जैसे जानते हैं व्यंजन के तीन भेद हैं, आपको पढ़े पढ़ के आए हैं। स्पर्श व्यंजन में का से लेकर मतक आता है, कादेव मौसाना स्पर्शा सूत्र होता है, अंतस्था में यणु अंतस्था यण प्रत्याहार आता है और शलस उष्माणा शल प्रत्याहार उष्ण व्यंजन में आता है, जबकि हृस्व व्यंजन का विषय न होकर बल्कि स्वर का विषय है। इसलिए हमारा डी विकल्प भेद नहीं है, ये पूछा है, इसलिए हमारा डी विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। स्पर्श अंतस्थ उष्म के अतिरिक्त भी व्यंजन का भेद माना जाता है। तो ये विकल्प है हृस्व व्यंजन, दीर्घ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उपयुक्त सभी। तो ऐसा हम जानते हैं कि हृस्व व्यंजन, व्यंजन का हृस्व दीर्घ ये व्यंजन का विषय नहीं, ये स्वरों का विषय, हृस्व दीर्घ प्लुत ये स्वरों का विषय है। अब रहा संयुक्त, तीसरा विकल्प संयुक्त व्यंजन। तो हमारे यहाँ तीन प्रकार के अक्षरों को संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में भी माना गया है, छोटे क्लासों में एक से लेकर पाँच तक में अथवा आठ तक में, वो है छ, त्र और ज्ञ। यदि हम छ देते हैं तो का और सा से मूर्धन्य सा से मिलकर बना है, त्रा ता और रा से मिलकर बना है, और ज्ञा ज और इया से मिलकर बना है। यही तीन हमारे संयुक्त व्यंजन है। तो हमारा सी विकल्प सही होगा कि स्पर्श अंतस्थ उष्म के अतिरिक्त व्यंजन का एक भेद और भी माना जाता है, वो है संयुक्त व्यंजन, जिनकी संख्या तीन बताई गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों कंठ तालु मूर्धा आदि का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं, अर्थात जिन उच्चारण में मूर्धा का मुख्य विभिन्न अवयवों मूर्धा कंठ तालु आदि का प्रयोग उन्हें क्या कहते हैं। मिश्रित व्यंजन कहते हैं कि स्पर्श व्यंजन कहते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कहते हैं कि उष्ण व्यंजन। आइए देखते हैं। तो मिश्रित व्यंजन आप जानते हैं कि ये संयुक्त व्यंजन कहते हैं, छात्रंग्या है तो इसका कोई विशेष बात नहीं है। स्पर्श व्यंजन आप जाते हैं कि कादेव मौसाना स्पर्शा, यही एक स्पर्श व्यंजन है जो कंठ जो मुख के विभिन्न अवयवों से बोला जाता है, जिससे कवर्ग कंठ से बोले जाते हैं, चावर्ग तालु से बोले जाते हैं इत्यादि। तो हमारा बी विकल्प सही होगा। अंतस्थ व्यंजन जानते हैं, या व राला, ये अंतस्थ चार व्यंजन है और उसमें सा सा सहा ये भी चार हैं। तो हमारा मुख के विभिन्न अवयवों से बोले जाने वाले बोले जाने वाले वर्णों को हम स्पर्श कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या 25 है और मिश्रित व्यंजन की संख्या 3 है। तो हमारा बी विकल्प सही होगा। 14वां प्रश्न देखें। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई, अर्थात स्पर्श व्यंजन कितने हैं। तो आप जानते हैं कि कादेव मौसाना स्पर्श, अर्थात का से मा तक जो है वो स्पर्श व्यंजन है। अब बताइए कौन सा होगा, ए विकल्प बी होगा, एक विकल्प 20 होगा कि बी विकल्प 22 होगा कि 25 होगा कि 30 होगा। यदि ए का से लेकर मा तक देखें तो पांच वर्ग आते हैं, वर्गाक्षर जिसको कहते हैं, का वर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग, और प्रत्येक वर्ग में पांच पांच अक्षर हैं जो स्पर्श कहलाते हैं। तो टोटल पांच वर्ग गुणे पांच वर्ग 25। तो हमारा सी विकल्प सही होगा, सी विकल्प टिप कर लें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कादेव मावसाना डैश 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 रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, व्यंजनाह की स्वराह की हलाह की स्पर्शाह, बताएं जल्दी।
तो कादेव मावसाना रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, व्यंजना स्वराह हला स्पर्शा। तो आप जानते हैं कि व्यंजन हमारे यहाँ 33 हैं और कादेव मौसाना का सूत्र है, जो सूत्र है कादेव मौसाना स्पर्शाह, तो स्पर्श हमारा बी विकल्प सही होगा, बी के विकल्प टिक कर लें। और हल जानते हैं कि हल में संपूर्ण व्यंजन आते हैं, हल प्रत्याहार में, और स्वरा नहीं सॉरी इसमें स्वर बी विकल्प नहीं सी विकल्प, स्पर्शा होगा कादेव मौसाना स्पर्शा होगा, क्या होगा स्पर्शा, डी विकल्प सही होगा। और स्वर स्वर ये कादेव मौसाना ये व्यंजन है स्वर हो ही नहीं सकते, तो हमारा डी विकल्प सही होगा। 16वां प्रश्न देखें, तो कास्य मा तक के वर्ण कहे जाते हैं, तो सूत्र ही है कादेव मौसाना स्पर्शा, स्पर्श व्यंजन का होगा सी विकल्प टिक कर लें। स्वरवर्ण जानते हैं आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, ये 9 स्वर होते हैं अंतस्थ में, या वराला ये 4 वर्ण होते हैं, सोच में स सहा ये 4 अक्षर होते हैं, तो हमारा कास्य मा तक के वर्णों को कहे जाते हैं स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 17वां प्रश्न है, जिन वर्ण जो वर्ण कंठ ताली मूर्धा दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चारित होते हैं इसलिए उन्हें कहते हैं, इसके पहले ये बार बार आ चुका है, तो इसको जो मुख्य विभिन्न अवयवों को उसे उच्चारित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श वर्ण कहलाते हैं कि अंतस्थ कहलाते हैं कि उसमें क्या योग हुआ। तो आप जानते हैं कि कादेव मौसाना स्पर्श हैं, विभिन्न शरीर मुख्य विभिन्न अवयवों से स्पर्श करते हुए बोले जाते हैं इसलिए स्पर्श हो वर्ण होगा, ये बार बार आ चुका है इसलिए ये विकल्प हम टिक कर लें। अंतस्थ जानते हैं आप या वरला अंतस्थ वर्ण होते हैं, उसमें स्वाहा ये उसमें 4 व्यंजन होते हैं, अयोगवा में अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है, जो हम बोले उपद्मानी ये अयोगवा वर्ण 4 होते हैं। आइए 18वां प्रश्न है कि अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाते हैं, तो अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाते हैं, जल्दी बताएं आप। ए विकल्प सल यण की अच की हल, जैसे कि हम जानते हैं कि यदि हम शल देखें तो शलो उष्माणा अर्थात सल उष्म व्यंजन कहे जाते हैं, जबकि यण के लिए सूत्र है यणा यणो अंतस्था यणाह अंतस्था, तो यण प्रत्याहार भी हमारा सही होगा, यण में या व रला है जो अंतस्थ व्यंजन है। अच में संपूर्ण स्वर आते हैं जिनकी संख्या 9 है, हल में संपूर्ण व्यंजन आते हैं जिनकी संख्या 33 है, तो अंतस्थ वर्ण किन प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाते हैं, तो आपको भी बताना है यण प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाते हैं। आइए 19वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतस्था हरेक स्थान की पूर्ति करें, अंतस्था डैश 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 अंतस्था कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यणा हो जाएगा कि सला हो जाएगा कि हस्वा हो जाएगा कि दीर्घा, तो आपको सूत्र याद ही होगा यणा अंतस्था, यदि सला होता है सला उस्माणा होता है, हर्ष जानते हैं आई यू ये स्वर का विषय है, दीर्घ भी स्वर का विषय है, तो यणा अंतस्था में ए विकल्प भरा जाएगा। आइए 20वां प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, अंतस्थ व्यंजन यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं जिनकी संख्या 4 है, या व सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद जो है नए आगे प्रश्न हम दूसरे वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, शीघ्र नए विषय के साथ इसी में नए प्रश्न उत्तर के साथ मिलते हैं।